राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। ये देखिए, आज हमने ये कैप बनाया है। 2 से 3 साल की बच्ची के लिए कैप है। कैप बनाने में बहुत इजी है और बहुत प्यारा है, ये देखिए। और वीडियो को स्किप करके ना देखें, वीडियो को पूरा देखें। वीडियो के अंदर हमने सभी कुछ स्टेप बाय स्टेप बताया है, ये देखिए। और यहाँ पर हमने ये सिलाई की है और डिज़ाइन हमने ये लास्ट में बताया है, तो वीडियो को आप पूरा देखें। ये डिज़ाइन भी हमने बताया हुआ है लास्ट में। तो चलिए आज इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाने से पहले जिस किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर से हम देखेंगे इसकी लंबाई, यहाँ पर से यहाँ तक देखेंगे 6.5 इंच के लगभग है, देखिए 6.5 इंच चाहिए हमारी। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर फंदों को कम करेंगे हम। तो देखिए किस तरह से करेंगे, यहाँ पर फंदों को हम डिज़ाइन हमारा इसी तरह चलेगा जिस तरह हमारा डिज़ाइन बन रहा है। पहले हम एक फंदा इस तरह से बना लेंगे, फिर ये 2 का 1 करेंगे, फिर ये 2 का 1 कर लेंगे। यहाँ पर ये हमारे फंदे कम हो रहे हैं, धागा इस तरफ करेंगे और डिज़ाइन हमारा इसी तरह से चलेगा। ये 3 फंदे बनाएंगे हम डिज़ाइन, 1, 2, 3, धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर ये 2 का 1 करेंगे, 2 का 1 करेंगे, 2 का 1 कर लेंगे, 2 का 1 करेंगे और ये 2 का 1 कर लेंगे। धागा पीछे करेंगे, ये 3 फंदे बनाएंगे हम डिज़ाइन के, 2 का 1 करेंगे, 2 का 1 करेंगे, 3 फंदे बनाए हमने डिज़ाइन के। तो इसी तरह से करेंगे, यहाँ पर ये 10 फंदे हमारे, तो ये 5 फंदे रह जाएंगे। फिर ये 3 फंदे इसी तरह से बनाएंगे, जिस तरह से ये हमारा डिज़ाइन चल रहा है उसी तरह से हमने ये डिज़ाइन बनाना है। तो बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारी सिलाई बन करके कंप्लीट हो गई है। अब हम उल्टी सिलाई पर आ गए हैं, रॉन्ग साइड पर। तो अब हमने यहाँ पर कोई फंदा कम नहीं करना है, इसी तरह से बनाएंगे जो फंदा हमारा जिस तरह से है। ये हमारे 3 फंदे हो गए, 5 फंदे थे पहले, 3 फंदे सीधे हो गए, धागा अपनी तरफ करेंगे, ये 3 फंदे उल्टे हो गए, धागा पीछे। यहाँ पर ये हमारे 10 थे तो ये 5 रह गए थे, तो ये 5 फंदे हमारे सीधे बनेंगे। यहाँ पर हमने कोई फंदा कम नहीं करना है, तो इस तरह से ये सिलाई अपनी बना करके कंप्लीट कर लेंगे हम। तो यहाँ पर हमने उल्टी सिलाई बनाकर कंप्लीट कर ली। अब हम सीधी साइड हैं, तो सीधी तरफ हमने क्या करना है, ये पहला फंदा आप बनाएं चाहे उतारें, तो ये फंदा हमने बना लिया। अब फिर से यहाँ पर ये 2 का 1 कर लेंगे, धागा पीछे करेंगे, ये डिज़ाइन हम इसी तरह से बनाएंगे जिस तरह से हमारा डिज़ाइन बन रहा है। डिज़ाइन ने इसी तरह से बनाया। अब यहाँ पर हम फिर से 2 का 1 करेंगे, ये वाला फंदा लेंगे और ये वाला फंदा लेंगे, तो ये 2 का 1 कर लेंगे हम। और यहाँ पर ये फंदा हम इसी तरह से बनाएंगे, फिर से ये 2 का 1 कर लेंगे। और ये डिज़ाइन का फंदा है हमारा, तो डिज़ाइन का फंदा हम जिस तरह से हमारा डिज़ाइन आएगा इसी तरह से बनाना है हमने। ये हमने इस पर लेना है, ये हम 1 कर देंगे, ये देखिए इस तरह से बनाएंगे। पहले 1 बनाया, फिर धागा लिया, फिर 1 और बना लिया, धागा इस तरफ करेंगे अपनी तरफ, 2 का 1 कर लेंगे, ये 1 फंदा बनाया, ये 2 का 1 कर लेंगे, धागा पीछे करेंगे, इस फंदे को हम यहाँ पर से गिरा देंगे और ये वाला फंदा बनाएंगे हम और ये बनाएंगे।
देखिए यहाँ पर ये जो फ्रॉक बनाया है मैंने इसके साथ का, वहाँ पर मैंने डिज़ाइन डिटेल में बताया है किस तरह से बनाना है, और कैप में मैं आपको बता दे रही हूँ किस तरह से बनाना है। डिज़ाइन हमने यहाँ पर देखिए स्टार्ट किया है हमने, जब हम बॉर्डर बनाएंगे, बॉर्डर बनाने के बाद में हमने इसी तरह से डिवाइड कर लेंगे फंदों को। और देखिए डिज़ाइन किस तरह से बनाना है, ये वाला फंदा लेंगे, तीसरा फंदा जो है ये दो फंदों के ऊपर से हम उतार देंगे इस तरह से, और ये वाला फंदा हमने बना लिया। और ये जो धागा है हमारा इस तरह से लेंगे, ये देखिए ये जो धागा है हमारा, ये जो धागा है इसको हम इस तरह से लेंगे, इसके ऊपर सिलाई के ऊपर से, और ये बना लेंगे हम। और यहाँ पर हम फंदों को कम कर रहे हैं तो ये दो का एक कर लेंगे, फिर एक फंदा बनाएंगे, फिर ये दो का एक कर लेंगे, ये वाला फंदा हम इन दो के ऊपर से उतार लेंगे, और ये वाला फंदा बनाएंगे, धागा ऊपर से उतारेंगे, ये फंदा बनाएंगे, फिर यहाँ पर हम ये दो का एक कर लेंगे, ये एक फंदा बनाएंगे, ये दो का एक करेंगे इस तरह से उतारेंगे। ये हमारे तीन फंदे हैं, तीन फंदों से हमने दो कर लिए, एक फंदा गिरा दिया था, तो इस धागे को हम इस तरह से लेंगे तो ये फिर से हमारे तीन हो जाएंगे। देखिए लास्ट का फंदा भी हम ये उल्टा बना लेंगे। अब यहाँ पर हम उल्टी सिलाई पर आ गए हैं, तो उल्टी सिलाई हमने जिस तरह से हमारे फंदे दिख रहे हैं हमें इसी तरह से बनाना है। देखिए एक फंदा हमारा ये सीधा है, ये फंदा भी हमारा सीधा है, और ये तीन फंदे उल्टे हैं। धागा पीछे करेंगे, ये हमारे तीन फंदे सीधे होंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, तीन फंदे उल्टे होंगे, तीन फंदे सीधे, तो ये कंप्लीट कर लेंगे राउंड को हम। तीन फंदे सीधे रहेंगे इसमें, तीन फंदे उल्टे रहेंगे, तो बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने उल्टी सिलाई बनाकर कंप्लीट कर ली, हम सीधी साइड है। अब सीधी साइड में देखेंगे दो फंदे हमारे ये उल्टे हैं, तो ये स्टार्टिंग का, और ये दो फंदे हम इस तरह से उल्टे बना लेंगे। तीन फंदे सीधे हैं हमारे डिज़ाइन के, तो धागा इस तरफ करेंगे हम। देखिए डिज़ाइन भी मैं आपको बता रही थी, फर्स्ट राउंड हमने बता दिया था कि धागे को इस तरफ गिराते हैं तब बनाते हैं, उल्टी साइड हमने उल्टी ही बनाने होते हैं इन तीन फंदों को, और सीधी साइड में हमने ये तीन फंदे सीधे ही बनाने होते हैं। तो यहाँ पर हमने तीन फंदे सीधे बना लेंगे, फिर उल्टी साइड से जब आएंगे ये तीन फंदे फिर से हमारे उल्टे बनेंगे, फिर सीधी साइड से जब हम आएंगे तो ये हमारी चार सिलाई का, चार मतलब रो का हमारा ये डिज़ाइन है। पहली सिलाई हमने इस तरह से गिराने वाली बना दी, पहली सिलाई होती है, उल्टी सिलाई पर उल्टे बनाने ये तीन फंदे, सिर्फ ये तीन फंदों की बात कर रही हूँ मैं। फिर सीधी तरफ से हमने तीन फंदे सीधे बनाने हैं, फिर हमने उल्टी तरफ से उल्टे बनाने हैं, तो ये चार सिलाइयों में बनकर के हमारा ये वर्क कंप्लीट हो जाता है। ये डिज़ाइन जो है हमारा ये चार सिलाइयों का ही है, तो बन करके कम्प्लीट हो जाता है। और अभी आपकी समझ में ना आया हो तो मैं वीडियो के लास्ट में डिज़ाइन को बनाना बता दूंगी किस तरह से बनाना है। तो यहाँ पर हमने ये दो का एक करना है, ये देखिए इस तरह से ये दो का एक कर लेंगे, फिर हमने ये दो का एक करना है, ये भी दो का एक करना है, फिर ये दो का एक करना है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, देखिए ये एक फंदा हमने उल्टा बनाया, ये दो का एक किया तो उल्टा बनाया, ये हमने ये सीधा, ये उल्टा, ये उल्टा, ये सीधा, अब हमारे ये दो फंदे उल्टे बनेंगे। ये उल्टा बनाया हमने, ये भी उल्टा बनाया, और ये हम सीधा बनाएंगे, फिर ये उल्टा, ये भी उल्टे, और ये हमने सीधे बनाएंगे।
सभी फंदों को हमने यहाँ पर दो का एक करना है। इस तरह से ये उल्टा फंदा हम इस तरह से बना लेंगे। अब ये उल्टी सिलाई है हमारी, तो उल्टी सिलाई हम इसी तरह से बनाएंगे जिस तरह से हमारी ये फंदे दिख रहे हैं। ये फंदा हमारा सीधा दिख रहा है तो ये सीधा बनाएंगे। ये फंदा उल्टा, ये फंदा भी उल्टा और ये फंदा सीधा, ये उल्टा उल्टा, ये सीधा, ये उल्टा, ये फंदा भी उल्टा, ये फंदा सीधा, ये उल्टा, ये उल्टा, ये सीधा, ये उल्टा उल्टा और ये सीधा, ये फंदा उल्टा, फंदा उल्टा और ये फंदा हमने सीधा बना लिया। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हम फिर से दो का एक करते जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर हम इस तरह से करेंगे, ये दो का एक कर लेंगे, फिर हम ये दो का एक कर लेंगे, फिर ये दो का एक कर लेंगे। हमने यहाँ पर अब उल्टी सिलाई बनानी है, कोई फंदा सीधा नहीं बनाना है हमने, सबको हम ये दो 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 का एक करते हुए जाएंगे इस तरह से। एक फंदा बना लेंगे हम। अभी उल्टी सिलाई है हमारी, तो उल्टी सिलाई हम उल्टी बना लेंगे जिस तरह से हमने बनानी है। ये सभी फंदों को हम इस तरह से सीधा सीधा बनाएंगे, तो बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे ये 10 फंदे रह गए हैं। अब हमने क्या करना है, इस धागे को हम लेंगे, थोड़ा लंबा हम धागा करके कट कर लेंगे। यहाँ पर थोड़ा लंबा ही धागा कट करें आप, और ये सुई लेंगे हम, इसमें हम इस तरह से पिरो लेंगे। और ये जो फंदे हैं हमारे, ये हम सिलाई में से निकाल लेंगे इस तरह से। और यहाँ पर हमने ये 10 फंदे देखिए इस तरह से हमने ये ले लिए, इसके अंदर से निकाल देंगे और यहाँ पर टाइट कर लेंगे। एक बार यहाँ पर से निकालेंगे हम, तो ये हमारे टाइट हो जाएंगे इस तरह से। अब हमने यहाँ पर इसको सिल लेना है। देखिए ये हमारी उल्टी साइड है और ये हमारी सीधी साइड है, तो हम उल्टी साइड को इस तरह से पकड़ेंगे इस तरह से। आप चाहें तो सीधी साइड से भी सिल सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर से इस तरह से पकड़ेंगे इसको, और एक बार यहाँ पर और पक्का कर लेंगे हम। देखिए इस तरह से एक इसको लेंगे और एक इसको लेंगे, इस तरह से हम सिल लेंगे यहाँ पर। ये फंदा लिया हमने, एक ये लेंगे फंदा, इनको हम इस तरह से। तो यहाँ तक हम ये सिलाई कर लेते हैं, यहाँ तक सिल लेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने ये सिलाई कर ली थी, देखिए। और देखिए यहाँ पर से, तो ये कैप इस तरह से ये बनकर आया है। बनाने में बहुत इजी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को हमारे समझाने का तरीका पसंद आया होगा। तो देखिए यहाँ पर हमने डिज़ाइन बनाने के लिए 15 फंदे लिए हैं, और 15 फंदे लेने के बाद में हमने बॉर्डर के लिए हमने एक
एक सिलाई उल्टी उल्टी बनाकर कंप्लीट कर ली, फिर इस तरफ से भी एक सिलाई बनाकर के कंप्लीट कर ली। तो हमने दो सिलाई बनाकर यहाँ पर कंप्लीट कर ली है, और सीधी तरफ से भी उल्टा उल्टा बनाया है और उल्टी तरफ से भी उल्टा उल्टा बनाया है हमने। अब देखिए हमने क्या करना है, यहाँ पर पहला फंदा आप चाहे उतारें चाहे बना लें। तो ये फंदा हम बना लेंगे, ये फंदा हम सीधा नहीं बनाएंगे, उल्टा बनाएंगे। फिर ये दूसरा फंदा भी उल्टा बनाएंगे और तीसरा फंदा भी उल्टा बनाएंगे। तो तीन फंदे हमने उल्टे बना लिए। आप चाहें तो बीच में आप कितने भी फंदे रख सकते हैं, जैसे हमारे तीन हैं, आप चार भी रख सकते हैं, पांच भी रख सकते हैं, अपने पैटर्न के अनुसार रख सकते हैं। सिर्फ हमारा ये जो डिज़ाइन है ये तीन फंदों पर बनेगा। धागा पीछे किया हमने, ये तीन फंदों से डिज़ाइन बनेगा। ये वाला जो फंदा है हमारा थर्ड फंदा, इस फंदे को उठाएंगे इस तरह से और यहाँ पर इन दोनों फंदों के ऊपर से गिरा देंगे। और ये जो फंदा है हम इसको बनाएंगे हम पहले सीधा फंदा, फिर ये जो धागा है हमारा इसको हम इस तरह से लेंगे। ये देखिए ये जो फंदा है हमारा इसको हम इस तरह से सिलाई के ऊपर लेंगे। तो एक फंदा ये हमारा हो गया और इसको भी हम सीधा बना देंगे। तो ये तीन से हमारे तीन फंदे ही हो गए, ये तीन से हमारे तीन फंदे ही रहेंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर ये हम तीन फंदे उल्टे बना लेंगे। तो ये आप बीच में कितने भी फंदे ले सकते हैं। फिर धागा पीछे करेंगे और ये वाला जो फंदा है इसको हम इसके ऊपर से गिराएंगे और पहले ये वाला फंदा बनाएंगे। उसके बाद में ये जो धागा है हमारा इसको हम इस तरह से लेंगे और ये फंदा बना लेंगे। तो तीन से हमारे तीन फंदे हो गए। फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे और ये तीन फंदे उल्टे बना लेंगे। ये हमारी पहली सिलाई बन करके कंप्लीट हो गई है। फिर दूसरी सिलाई बनाएंगे हम। तो दूसरी सिलाई बनाने के लिए देखिए यहाँ से हमने जो उल्टे फंदे बनाए थे ये हमारे इस तरफ सीधे बनेंगे। ये तीन फंदे हम सीधे बना लेंगे और ये जो हमारे डिज़ाइन के तीन फंदे इनको हम उल्टा बनाएंगे। तो धागा अपनी तरफ किया और इन फंदों को उल्टा बना लेंगे। धागा पीछे करेंगे, ये तीन फंदे सीधे बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, ये डिज़ाइन का फंदा है उल्टा बनाएंगे। ये देखिए ये फंदा हमारा जो हमने बढ़ाया था फंदा, ये लपेट के जो फंदा लिया था, ये फंदा इस तरह से आता है। इस तरह से इसको बना लेंगे, धागा पीछे करेंगे और तीन फंदे सीधे बना लेंगे। ये हमारी दूसरी रो बन करके कंप्लीट हो गई है। अब हम थर्ड रो बनाएंगे अपनी। तो थर्ड रो देखिए किस तरह से बनानी है। तो ये हम पहले पहला फंदा आप चाहे बनाएं चाहे उतारें, देखिए बना लिया हमने इस तरह से, तीन फंदे बना लिए। धागा पीछे करेंगे और अब देखिए तीन फंदे हमारे डिज़ाइन के हैं, ये तीन फंदे हमारे डिज़ाइन के हैं। तो हम तीन फंदे ये सीधे बना लेंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, ये डिज़ाइन के फंदे हैं तो इनको सीधा ही बना लेंगे। ये हमारी थर्ड रो है। तो ये थर्ड रो हमारी बन करके कंप्लीट हो गई है। अब फोर्थ रो पर आ गए हम। तो पहला फंदा आप चाहे बनाएं चाहे उतारें, तो ये तीन फंदे हमारे सीधे बन गए। अब डिज़ाइन के फंदे हैं ये हमारे, ये उल्टे ही बनेंगे। ये तीन फंदे सीधे बना लिए, ये तीन फंदे उल्टे। फिर ये तीन फंदे सीधे। अब यही चार सिलाई हमारी रिपीट होंगी। फिर से हम अपना पैटर्न स्टार्ट करेंगे। ये देखिए पहला फंदा आप चाहे बनाएं चाहे उतारें, तो यहाँ पर हमने ये उल्टे बना लिए हैं। अब देखिए फिर से हमारा यही रिपीट होगा, ये वाला जो फंदा है हमारा इसको हम इसके ऊपर से निकालेंगे इस तरह से, और ये फंदा बना लेंगे सीधा, और ये वाला जो धागा है हमारा इसको हम इसके ऊपर से लेंगे। ये देखिए जो फंदा है हमारा इसको हम इसके ऊपर से लेंगे इस तरह से, और ये फंदा भी हम सीधा बना लेंगे। तो ये हमारे
तीन से तीन फंदे हो गए। फिर हम ये तीन फंदे उल्टे बना लेंगे और ये वाला जो फंदा है, ये तीन फंदों का डिज़ाइन है, तो एक दो तीन, ये जो थर्ड वाला फंदा है हमारा, इसको हम इन दोनों फंदों के ऊपर से निकाल देंगे। और यहाँ पर ये फंदा बनाया हमने और ये जो धागा है इसको हम इस तरह से लेंगे और यहाँ पर सीधा बना देंगे। देखिए अब यहाँ पर जो हमारे इस तरफ उल्टे थे, इस तरफ हमारे सीधे होंगे फंदे, तो ये तीन फंदे हमारे सीधे बना लेंगे और ये तीन फंदे उल्टे बनाएंगे। ये डिज़ाइन के फंदे हैं हमारे, तो इनको उल्टा बना लेंगे। ये तीन फंदे सादे, इनको सीधा बनाएंगे। ये डिज़ाइन के फंदे हैं तीन, इनको हम उल्टा बनाएंगे। और ये डिज़ाइन के फंदे हैं, ये हमारे डिज़ाइन के तीन फंदे, ये सादे फंदे हैं। अब यहाँ पर हमारी ये देखिए जो हमारी थर्ड रो बनी थी सेम इसी तरह बनानी है। पहला फंदा आप चाहे बनाएं चाहे उतारें, देखिए यहाँ पर ये डिज़ाइन के फंदे हैं, तो इनको हम इसी तरह से सिंपल बना लेंगे सीधे। तीन फंदे उल्टे, तीन फंदे सीधे, तीन फंदे उल्टे। तो देखिए इस तरह से ये डिज़ाइन बनकर आएगा। और सेम ये एट्थ रो हमारी फोर्थ रो की तरह होगी, तो इस तरह से ये कुछ डिज़ाइन बनता आता है। देखिए तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को हमारे समझाने का तरीका पसंद आया होगा। तो वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।